सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना अच्छा लगे तो लाइक भी करना सीई का एग्जाम जल्दी है अगर मैं एक फरवरी को लेकर आऊं बुक तो पढ़ने के लिए टाइम कम रहेगा विद्यार्थियों के पास इसलिए मात्र और मात्र छब्बीस जनवरी को ही मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी पांच मिनट की जादुई क्लास की तीन नंबर वॉल्यूम और एक जो ये रात्रि दस बजे क्लास होती है संकट मोचन करंट जी के करंट अफेयर्स राजस्थान तो ये भी आपको 26 जनवरी को ही उपलब्ध हो जाएगी और इसकी खास बात ये रहेगी कि इसके अंदर राजस्थान का जो क्वेश्चन रोजाना करवा रहा हूं वो तो रहेंगे रहेंगे फैक्ट बाकी जनवरी महीने में जितनी भी महत्वपूर्ण कोई भी बात अगर करंट रूप में अपडेट हुई है तो वो भी आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएगी इसलिए पूरा मतलब इस किताब को अगर कोई विद्यार्थी वीडियो रोजाना देखता है तो मेरे ख्याल में वो दो घंटे तीन घंटे चार घंटे में किताब पढ़ सकता है इसको अगर कोई ढंग से वीडियो देख रहा है और उसके अलावा थोड़ा सा ढंग से टाइम दे तो चार पाँच घंटे में ये बुक कवर हो सकती है छोटी छोटी बुक्स है और कुछ नहीं तो हौसला जरूर बढ़ेगा कि मेरा कुछ पढ़ा हुआ है और ये मैं कह देता हूं कि संस्था के खूब सारे यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे मिलेंगे तो अपने भाई बंधुओं को बता देना कि वॉल्यूम थर्ड छब्बीस जनवरी को ही आ जाएगा मार्केट में संकट मोचन करंट फिर छब्बीस जनवरी को ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी आपको बाकी कोई भी आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो ये जरूर कहना कि संस्था में बैच शुरू हो चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो भी एक शानदार क्वेश्चन है खूब सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे करें शुरू निमन में से किस स्थान पर लोहे के नए भंडार मिले हैं दानपुर धूलखेड़ा जीपिया जमुआरामगढ़ या पुष्कर दानपुर कहां है बांसवाड़ा में दानपुर बांसवाड़ा में राज्य का पहला अल्ट्राटेक राज्य का पहला राज्य का पहला अल्ट्रा अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में है राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा लोहे के नए भंडार धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा लोहे के नए भंडार मिले हैं यहां लोहे के नए भंडार लोहे के नए भंडार नए भंडार कहां पर मिले हैं धूलखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा जमुआ रामगढ़ जयपुर में है बहुत शानदार क्वेश्चन है 750 वर्ष पुरानी 750 वर्ष पुरानी 750 वर्ष पुराने के चांदी के बयासी सिक्के मिले हैं चांदी के बयासी सिक्के कहां पर मिले हैं जम्मू रामगढ़ जम्मू रामगढ़ एक बांध भी है एक अभ्यारण्य भी है एक झील भी है और जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर 750 वर्ष पुराने चांदी के ब्यासी सिक्के मिले हैं धूलखेड़ा जीपिया यह भीलवाड़ा लोहे के नए भंडार मिले हैं दानपुर बांसवाड़ा राज्य का पहला थर्मल अल्ट्रा पावर प्लांट पुष्कर सोलर सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट ऊर्जा स्वीकृत किया गया है पुष्कर को उसके अलावा राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला इसके अंदर राजस्थान का पहला सेंड आर्ट पार्क सेंड आर्ट पार्क बनेगा यह याद रखिए सेंड आर्ट पार्क किसमें बनेगा पुष्कर में राजस्थान का पहला सेंड आर्ट पार्क पुष्कर अजमेर सोलर सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट ऊर्जा स्वीकृत हुआ वो भी पुष्कर अजमेर पिछहत्तर सात सौ पचास सात सौ पचास वर्ष पुराने चांदी के बयासी सिक्के जमुआ रामगढ़ लोहे के नए भंडार धूलखेड़ा में और दानपुर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट अब है राज्य की दूसरी स्पोर्ट्स अकेडमी आंगणवा जोधपुर आंगणवा जोधपुर आंगणवा जोधपुर जरूर याद रखिएगा ये राजस्थान की दूसरी स्पोर्ट्स अकेडमी आंगणवा जोधपुर गांधी बधीर महाविद्यालय जोधपुर गांधी बधीर महाविद्यालय कहां बनेगा जोधपुर में अटल टिकरिंग लेब उदयपुर अटल उदयपुर अटल उदयपुर अटल उदयपुर अटल टिकरिंग लेब उदयपुर गांधी बधीर महाविद्यालय अगर आपसे पूछे तो आपके देना जोधपुर राज्य की दूसरी स्पोर्ट्स अकेडमी आंगणवा जोधपुर उत्तर भारत का पहला पंचक्रम चिकित्सा केंद्र सिलोर बुंदी सिलोर बूंदी सिलोर बूंदी भारत का पहला एडवांस तकनीक युक्त फिनिशिंग स्कूल जयपुर जयपुर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर दौलतपुरा जयपुर दौलतपुरा जयपुर में दौलतपुरा जयपुर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2022 उदयपुर कहां पर हुआ उदयपुर अच्छा क्वेश्चन है ये जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2022 उदयपुर आपसे पूछे राजीव गांधी या सॉरी गांधी गांधी बधीर महाविद्यालय जोधपुर अटल टिकरिंग लेब उदयपुर उत्तर भारत का पहला पंचक्रम चिकित्सा केंद्र सिलोर बुंदी भारत का पहला एडवांस तकनीक युक्त फिनिशिंग स्कूल जयपुर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर ये कहां पर है जयपुर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान विधान, विधान सभा, राजस्थान विधानसभा जयपुर में बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा जयपुर मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर नाथ द्वारा राजसंबंध नाथ द्वारा राजसंबंध नाथ द्वारा राजसमंद मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर नाथ द्वारा राजसमंद बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा जयपुर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम सिक्कर जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम सिक्कर अजूबा पार्क आना सागर झील अजमेर सात अजूबा पार्क कहां बने बना अजमेर कहा अजमेर सात अजूबा पारक अजमेर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर दौलतपुरा जयपुर दौलतपुरा जयपुर और एक महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी जयपुर में है और प्रस्तावित आंगणवा में है ये याद रखिए प्रस्तावित पूछे तो आंगणवा में एक तो महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि मंडी महात्मा ज्योतिबा कृषि याद रखना है बस अंडरग्राउंड विद्युत लाइन वाली प्रथम ग्राम पंचायत अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है तो मांडल ग्राम पंचायत भीलवाड़ा मांडल तो भीलवाड़ा में ही है ना मांडल ग्राम पंचायत भीलवाड़ा मांडल ग्राम पंचायत भीलवाड़ा मांडल ग्राम पंचायत भीलवाड़ा में है फिर उसके बाद सूखा भावग्रस्त तहसील पाली तहसील है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये जिला है पाली लेकिन तहसील भी है पाली पोटास के भंडार सत्तीपुरा और लाखासर सत्तीपुरा हनुमानगढ़ में है सत्तीपुरा हनुमानगढ़ में है और लाखासर बीकानेर में है सत्तीपुरा लाखासर लाखासर पोटास के भंडार सत्तीपुरा लाखासर सत्तीपुरा इलाका सर नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कोटा में है नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कोटा बाड़मेर की पंचपद्रा पंचपद्रा रिफाइनरी बी एस सिक्स मानक ईंधन उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी है पंचपद्रा रिफाइनरी बी एस सिक्स मानक ईंधन उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी है नए मैगनीज के भंडार रूपाखेड़ा बांसवाड़ा रूपाखेड़ा रूपा खेड़ा बांसवाड़ा रूपाखेड़ा बांसवाड़ा सरा, बांसवाड़ा रूपाखेड़ा और रूपा रूपाखेड़ा नए मेघनीज के भंडार मेघनीज के भंडार है लीलवाणी बांसवाड़ा लेकिन नहीं पूछ ले वैसे ही आपसे तो आप कह देना एक तो रूपाखेड़ा एक तांबेसरा रूपाखेड़ा तांबेसरा मेघनीज के नए भंडार है रिफाइनरी राजस्थान की पहली रिफाइनरी बी एस सिक्स मानक की पहली हो जाएगी नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूछे कोटा राजस्थान का पहला अगर इंटरनेशनल पूछ ले तो संगानेर है फिर उसके बाद में पोटास के नए भंडार सतीपुरा लाखा सर वैसे बीकानेर संभागी कह सकते हैं अपने लेकिन मुख्य रूप से हनुमानगढ़ बीकानेर सूखा अभावग्रस्त तहसील घोषित तो हुई है पाली दानपुर राज्य का पहला अल्ट्राटेक थर्मल पावर प्लांट दानपुर के नई भंडार जमुआ रामगढ़ सात वर्ष पुराने चांदी के सिक्के पुष्कर राजस्थान का पहला सेंड आर्ट पार्क बनेगा अंडरग्राउंड विद्युत लाइन वाली पहली ग्राम पंचायत पूछे तो मांडल ग्राम पंचायत भीलवाडा है राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर है बच्चों सॉरी राजीव गांधी फिनटेक जोधपुर है बच्चों के लिए देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा है मेडिटूरिज्म वेलनेस सेंटर नाथद्वारा जमुना लाल बजाज सिक्कर सात जुबा पार्क अजमेर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन दो उदयपुर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा भारत का पहला एडवांस तकनीकी युक्त फिनिशिंग स्कूल जयपुर उत्तर भारत का पहला पंचकर्म चिकित्सा केंद्र सिलोर अटल टिकरिंग लेब उदयपुर गांधी बधीर महाविद्यालय जोधपुर तो एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट तो क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो गए हैं तीस पैंतीस अड़तीस या चालीस तीस पैंतीस अड़तीस चालीस तेरह से पंद्रह जनवरी दो हजार तेईस तक बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव मिस मरवन का खिताब किसने जीता कोमल तो सिद्ध ने जीता था तो ये नए बैच शुरू हो रहे हैं कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर बताना सूचना और मेरे द्वारा राजस्थान का पूरा जीके ग्यारह सौ निन्यानवे में मैं आपको उपलब्ध होगा संकल्प के एप्लिकेशन पर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उसके अलावा बैंक एसएससी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं तो संकल्प के द्वारा ही संचालित है पेरा माउंट कोचिंग इसके अंदर भी आप जरूर देखें और वार्षिकांक आप सब जानते हैं कि मार्केट में उपलब्ध है देखो बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत ही शानदार देने की कोशिश की है बाकी जो लाइव देख रहा है उसको पता है और ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी 26 जनवरी से तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं बस छब्बीस जनवरी का वेट करिएगा छब्बीस जनवरी से मार्केट में आपको उपलब्ध होगी और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसला बढ़ाते रहना हम आते रहेंगे और रात्रि साढ़े आठ बजे की क्लास भी अब शुरू हो चुकी है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए जय हिंद जय भारत नमस्कार